कच्छी कला को अब तक आपने कपड़ों पर देखा होगा और कच्छी कला पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है, लेकिन अब ये कला को मिली है एक नई पहचान। जी हाँ, लेकिन पेन और पेपर पर। ये बहुत ही सुंदर लग रहा होगा आपको पेपर जो है मेरे हाथ में, लेकिन अब ये है कच्छी कला को जिसमें पेन और पेपर के तौर पर इसको एक नई पहचान मिली है। अभी हम मौजूद हैं एक ग्राफोथेरेपी के क्लास जहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग देने में आती है। इसमें खास करके चित्र के द्वारा भी समझाने में आता है, और दूसरी बात अगर बात करें तो न्यूमरोलॉजी के तौर पर भी इसमें समझाने में आता है, और एक खास प्रकार की ट्रेनिंग होती है माइंड बॉडी और खुद को फिट रख भी सकते हैं आप इससे। अलग अलग प्रकार का उल्लेख भी इसमें किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ग्राफोथेरेपी जो होती है वो क्या होती है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं ग्राफोलॉजिस्ट डॉक्टर राजुल शाह, उनसे जानते हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो ग्राफोथेरेपी होती है वो क्या होती है, और ये कच्छी कला का जो उल्लेख किया जा रहा है अभी काफ़ी प्रसिद्धि भी मिल रही है इसको, ये होती क्या है? ग्राफोथेरेपी ये है कि जैसे हम बोलेंगे माइंड और ब्रेन से इंसान की पहचान होती है, वो पर्सनालिटी क्या है। हम ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरेपी को एक अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो आपका आईना है। जैसे हम अपनी सुंदरता को आईने में देखते हैं ना, वैसे ही ये पेपर और पेन के माध्यम से हम इंसान को अपनी पहचान करवाते हैं, और उसकी पहचान को और एनहांस करने में किस तरह से मदद करेंगे इसकी ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट यहाँ पे दो पार्ट से देते हैं। ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट इस तरह से है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, उसको हम ट्रेनिंग के मॉड्यूल में लेते हैं, और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या न्यूरो डिसऑर्डर्स, उसको हम ट्रीटमेंट के माध्यम से, ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट से लाइफ एनहांसिंग प्रोग्राम हम यहाँ पर करवाते हैं। लेकिन मैम, अब तक अभी हमने सुना हुआ था कि जो हमारी हैंडराइटिंग होती है वो हमारे ब्रेन में क्या चल रहा होता है उसकी पहचान होती है, लेकिन ये आप कला के माध्यम से इसको प्रसिद्धि मिल रही है, और इसको आप कैसे बताते हैं फिर? जैसे पहले बताया कि राइटिंग अपने मिरर है, पेन पेपर वर्क भी है जो वो इंसान का मिरर का काम करता है। उसी बेस के ऊपर अलग अलग टाइप के पेपर्स, अलग अलग टाइप के कलर्स, अलग अलग टाइप के चित्र, जो चित्र अभी आपको मैं दिखा रही हूँ वो आपको चित्र लगेंगे, लेकिन मेरे लिए कच्छ की जो भरत गुंथन की बुनाई की जो कला है उसको हमने एक थेरेपी के तौर पे डिज़ाइन किया है। कच्छ की एक स्क्रिप्ट है, भारत की हर अलग अलग लिपि को भी हम ट्रीटमेंट के माध्यम पे, ब्रेन के फोकस पे हम स्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं, और माइंड के फोकस के लिए हम सारी चित्रकला को यूज़ करते हैं। तो पेंटिंग का एक माध्यम बनाया है जिसमें हमने कच्छ की पूरी बुनाई को पेपर पे उतारा है, अलग अलग कलर्स को हमने पेपर पे उतारा है, और केस टू केस जो भी असेसमेंट होता है वो असेसमेंट के दौर पे हमें उसकी ट्रीटमेंट के पेपर्स तैयार करने होते हैं। जिस तरह से एक दिन उसने अपने सेशन को अटेंड किया है उसमें उसके ऊपर जो भी रिजल्ट दिखता है उसके बाद कस्टमाइज नया पेपर बनता है, नया कलर डिसाइड किया जाता है, नई डिज़ाइंस सिलेक्ट की जाती है, और उसको अपनी लाइफ के लिए फोकस्ड करने का पूरा प्रयास हम करते हैं। आप कितने टाइम से ये थेरेपी कर रहे हो? 1 ईयर का कोर्स कम्प्लीट किया है, बट आगे भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी इन मेनी वेज, मुझे पर्सनालिटी डेवलप करने में। यानी आपको फ़ायदा कैसे हुआ? पहले आप क्या आपने अनुभव किया कि मैं पहले ऐसा था उसके बाद ऐसा हुआ, ऐसा कुछ हुआ क्या? मेरे जो मेन पॉइंट्स थे दैट वाज लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एग्जाम फियर, वो तो कवर हो ही गए, साथ में जो पर्सनालिटी डेवलप हुई, जो दूसरे स्मॉल पॉइंट्स थे जिनका मेरा मेन फोकस नहीं था वो भी काफ़ी अच्छे से सॉर्ट आउट हो गए। यानी छोटी से छोटी समस्या अगर जो लगती है कि हमारे जीवन में चल रही हो, तो शायद ग्राफोथेरेपी ये माध्यम बन सकता है कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल सकता है इसी माध्यम के तौर पर। यानी कह सकते हैं कि आगे आगे इसको प्रसिद्धि ग्राफोथेरेपी को ज़रूर मिलेगी। कैमरा पर्सन उज्ज्वल ऊजा के साथ सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुजरात तक।